नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चले रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बेहद खबर, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। देश की नई महामहिम बनी है द्रौपदी मुर्मू और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि इस वक्त की ये सबसे अहम खबर यहां पर है। रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को यहां पर हरा दिया है। आपको बता दें कि देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने ये रायसीना की रेस जीती है। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति यहां पर देश को मिल चुकी है और काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। काउंटिंग लगातार यहां पर जारी थी और लगभग जीत जो यहां पर थी वो तय मानी जा रही थी। उसके बाद अब ये घोषणा यहां पर हो चुकी है, देश की 15वीं राष्ट्रपति देश को मिल चुकी है। देश की नई महामहिम द्रौपदी मुर्मू के रूप में यहां पर देश को मिल चुकी है। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय से आती हैं वो, और एक ऐसा वर्ग जो कि पिछले वर्ग में माना जाता है, और वहां से आने वाली एक महिला देश के सबसे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन होती हैं। आपको बता दें कि भारी मतों से द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर जीत हासिल की है और अब उसके बाद से देश भर में खुशी का माहौल है, देश भर में जश्न का माहौल है। हालांकि घोषणा से पहले ही जीत उनकी लगभग तय मानी जा रही थी मुर्मू की, और उससे पहले ही तस्वीरें देश भर से सामने आ रही थी, खुशी की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही थी। बहुत अच्छा रहा है और राष्ट्रपति बन के भी वो देश का नाम रोशन करेंगे। क्या भाई साहब, आप बड़े इस दिन को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत की पहली बार ये इस आदिवासी इलाके से एक गरीब मध्य परिवार की इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है। ये पोस्टर है जो लगा हुआ था, देखिए, अभिनंदन करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता रोड शो करते हुए यहाँ तक आए थे। हालांकि जैसे जीत की खबर मिली उसके बाद लड्डू बांटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई, ढोल बजा, नगाड़े बजे और फिर एक एक करके बीजेपी के नेता यहाँ से चले गए हैं। चूंकि प्रधानमंत्री आप वहाँ मिलने, तो वही ये अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीर जहां पर द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए, देश की नई राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और जेपी नड्डा भी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो बेहद खास ये तस्वीर, जीत की बधाई देने के लिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे हैं और ये देखिए बुके भेंट करके उन्हें बधाई दी है, उन्हें शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहां पर मुलाकात के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बेहद अहम तस्वीरें जहां पर द्रौपदी मुर्मू से, देश की नई राष्ट्रपति से मिलने के लिए, देश की नई महामहिम से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें बुके भेंट करके शुभकामनाएं दी हैं। और उससे पहले भी, जीत की औपचारिक घोषणा से पहले भी आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट किया था जो कि साफ तौर पर यह संदेश दे रहा था कि जीत उनकी ही तय है। और उस ट्वीट में द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मां की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मां नहीं होती है तो मां की याद आती है। इसके साथ ही उन्होंने सबसे गौर करने वाली बात यह थी कि उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा था कि संविधान के तहत मैं देश की सेवा करूंगी, और भगवान जगन्नाथ का भी उन्होंने आभार यहां पर जताया था। और ये बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देश की नई राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री बनते ही आप लोग महिलाएं आगे आ जाइए, मैं महिलाओं से बात करना चाहता हूं, थोड़ा पुरुष आप लोग पीछे चले जाएं। क्या आज का दिन महिलाओं के लिए कितना मायने रखता है? एक महिला राष्ट्रपति बन रहे हैं, उसमें से भी एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बन रही हैं। हमारे लिए तो बड़े गर्व और सम्मान की बात है, और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जो आज हमारे आदिवासी बंजारा महिला, क्योंकि मैं भी एक बंजारा समाज से हूँ, बंजारा की बेटी हूँ, और आज एक बंजारा आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति बनाया, ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए, बहुत बहुत गर्व की बात है। आप भी आगे आइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं महिलाओं के लिए? तो आज बड़ा खुशी का दिन है, कुछ लड्डू वड्डू खाने को मिला कि नहीं मिला? जी बिल्कुल, लड्डू से ज्यादा ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी द्रौपदी जी आज ये राष्ट्रपति बनी है, बिकॉज इट विल बी इंस्पायरिंग फॉर ऑल द वुमेन, ऑल द गर्ल चाइल्ड इन दिस कंट्री टू स्टडी एंड टू अपलिफ्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब
गर्व से भी बढ़कर बात है, क्योंकि हमारी देश का रुख बदल रहा है इससे। आप लोग रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग से बात करें, सब लोग रुकेंगे, आप जाएंगे नहीं प्लीज। हमारे साथ महिलाएं हैं, हम बात करना चाहेंगे, आप अगर कहें तो दोबारा बात करें इनसे महिलाओं, सब लोग एक लाइन से वही रही, वही नहीं बात करूं, पीछे आइए, एक लाइन से ऐसे खड़े हो जाइए, गोल बना के ना सीध ऐसे। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, देश भर से तस्वीरें सामने आ रही है और खास तौर पर महिलाओं में यहाँ पर बेहद उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति एक बार फिर से देश को मिली है और आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखती है, आदिवासी समुदाय से वो आती है, और ऐसे में देश की तरफ से पूरी दुनिया भर को एक खास संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि देश में महिलाओं की कितनी अहमता यहाँ पर है, महिलाओं की कितनी महत्वता है यहाँ पर। तो देश को एक बार फिर से महिला और वो भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली है, तो बेहद उत्साह महिलाओं में खास तौर पर देखने को मिल रहा है, महिलाओं के लिए एक गौरव की ये बात यहां पर है, देश को एक महिला राष्ट्रपति मिली है। और इसके साथ ही देश भर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई जा रही है, अपनी खुशी यहां पर जाहिर की जा रही है। उससे पहले भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर आतिशबाजी करके कहीं रंग गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई जा रही थी। तो बेहद अहम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही जेपी नड्डा जीत के घोषणा के तुरंत बाद मुर्मू के आवास पर पहुंचे हैं, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और इससे पहले भी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर औपचारिक घोषणा से पहले भी देश भर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी जहां पर खुशी मनाई जा रही थी, जीत जो थी वो लगभग तय यहां पर मानी जा रही थी। उसके बाद ये औपचारिक घोषणा के बाद भी लगातार खुशी का माहौल देश भर में देखने को मिल रहा है। एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला अब देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक आदिवासी समुदाय से आती है और भारत के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भारत के राष्ट्रपति के पद पर उनको यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया था। और उसके बाद आपको बता दें कि अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए तो 2015 से 2021 तक वो झारखंड की राज्यपाल रही और पार्षद से उन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत की थी और अब जो है वो इस मुकाम तक पहुंची हैं कि भारत देश की वो राष्ट्रपति बनी हैं। तो देश भर से उल्लास और उमंग की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं, जश्न की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाचते झूमते नजर आ रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली तस्वीर में यहां पर नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर जश्न की यहां पर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है ये बेहद खास तस्वीर है, आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार जश्न और खुशियां मनाई जा रही हैं। ये कहा गया था कि तमाम मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं जो दिल्ली में मौजूद है, चूंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो तमाम मंत्री दिल्ली में मौजूद है, सब मंत्री सब सांसद वहां एक एक करके जाने वाले हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं और महिलाओं में ज्यादा उत्साह है आज के डेट में, आप भी एक महिला हैं तो इन महिलाओं से बातचीत करना चाहूंगा, कितनी खुशी है और कितना गर्व है आज के दिन पर आपको? ये महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। आज महिलाओं के लिए बहुत बड़ा गर्व और प्रेरणा का आज दिन है और बहुत ही बड़ा सम्मानित दिन है, जो महिलाओं को सम्मान हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं को जो सम्मान दिया है। कितना बड़ा सम्मान है आपके लिए? आज ही हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। बंजारा री बेटी रो नाम रोशन कर दियो देश रे प्रधानमंत्री जी ने, आदिवासी बंजारा री बेटी रो नाम रोशन कर दियो देश रे प्रधानमंत्री जी ने, आदिवासी बेटी न जो मान सम्मान मिलो आज पूरे देश रो गर्व से मान बढ़ा दियो देश रे प्रधान मंत्री जी ने। क्या बात है, क्या बात है, आप तो बेंगलोर से आई हैं, आप बेंगलोर से आकर इस खुशी में शामिल हो रही हैं चूंकि एक महिला राष्ट्रपति बन रही हैं, क्या महिलाओं के लिए किस तरह से आपको लगता है कि कितना बड़ा सम्मान हो सकता है? ये बहुत बड़ा सम्मान है सारी महिलाओं के लिए, बट स्पेशली फॉर ट्राइबल वुमेन एंड ऑल्सो फॉर बैकवर्ड कास्ट के लिए, क्योंकि उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा कि एक ट्राइबल वुमेन इज सिटिंग ऑन दिस पोस्ट।
तो सारे आगे बढ़ेंगे, तो हर एक गर्ल चाइल्ड के लिए दिस इज अ वेरी वेरी बिग मोमेंट। प्रधानमंत्री के इस फैसले को आप लोग किस तरह से देखते हैं, एक लाइन में बताइए। मैं तो इस तरीके से देखती हूँ, सबरी के बेर झूठे राम जी ने खाए थे, सबरी के झूठे बेर राम जी खाए थे, मोदी जी आए आज, मोदी श्री राम जी आए आज, मोदी जी बन के अपना फर्ज पूरा कर दिया हो। आपके चेहरे पे भी बहुत खुशी दिख रही है आज। घर में क्या बनने वाला है, घर में सब ठीक ठाक रहने वाला है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, हम तो खीर पूरी बनाएंगे, क्योंकि जब भी देखिए हम लोग क्या है कि सनातन धर्म है हमारा, हम हिंदू हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कुछ अच्छा हो तो हम लोग खीर पूरी कचौड़ी और अपने चढ़ती है। भाई आप लेट जाएंगे तो खुशी की खबर, मन भरा हुआ है। और क्या, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि एक शब्द बोलना चाहती हूँ द्रौपदी मुर्मू के लिए, घर मंदिर से नहीं है कम, सुस्वागतम सुस्वागतम, आपका स्वागत करते हैं हम सभी लोग। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को एक प्रथम नागरिक बनाया, राष्ट्रपति बनाया है, और सभी महिलाओं का सर उन्होंने गर्व से ऊंचा कर दिया, और सभी महिलाओं के अंदर एक शक्ति पैदा हो गई कि मुमकिन कुछ भी नहीं है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन। तो बेहद खास ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देश के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद है। और बेहद खास ये तस्वीरें, जीत के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू कैमरे के सामने आई हैं, यहाँ पर मीडिया के सामने लोगों के बीच, और उनका आभार जताती हुई, उन्हें प्रणाम करके उनका आभार जताती हुई द्रौपदी मुर्मू इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे यहां पर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, यहां पर उन्हें बधाई दी है। तो बेहद खास ये तस्वीरें, आपको बता दें कि जीत की घोषणा के बाद द्रौपदी मुर्मू यहां पर कैमरे के सामने आई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा उनसे यहाँ पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, और अब यहाँ से उनकी रवानगी। बेहद खास ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री देश के नए राष्ट्रपति से मिलने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, राष्ट्रपति बनने की बधाई देने के लिए यहां पर पहुंचे। जीत की घोषणा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, और बेहद खास ये तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देश की नई महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए जीत के तुरंत बाद ये यहाँ पर पहुंचे, उनके आवास पर उन्हें बुके भेंट करके बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तस्वीरों में नजर आए, उन्हें बधाई दी। और ये बेहद अहम तस्वीर है, जिस तरीके से आदिवासी समुदाय में बेहद उत्साह है, बेहद उमंग देखने को मिल रहा है, और उसी खुशी में ये झूमते नाचते गाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपने पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, अपनी खुशी में मग्न होकर, मंत्रमुग्ध होकर नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जो है देश की नई राष्ट्रपति, वो भी उड़ीसा से आती है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव से द्रौपदी मुर्मू जो आते हैं। और ये बेहद खास तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जब द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे, उन्हें बुके यहां पर भेंट करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक आदिवासी समुदाय से आने वाली एक आम महिला अब देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, देश के लिए एक गौरव भरी, सम्मान भरी ये बात और तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुर्मू का सम्मान करते हुए यहां पर वो नजर आ रहे हैं, मिठाई खिलाकर इस जीत की खुशी, इस जीत का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। बेहद खास ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देश
देश की नई राष्ट्रपति का मुंह मीठा करवाकर उन्होंने बधाई दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। इससे पहले भी आपने आपको बेहद खास तस्वीरें दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, यहाँ बधाई देने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं आदिवासी वर्ग में बेहद खुशी का माहौल है, उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं। बेहद खास ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो खुशी जो है यहाँ पर और दुगनी हो जाती है क्योंकि देश को दूसरी बार महिला के रूप में राष्ट्रपति मिली है और वो महिला जो कि एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है, एक पिछड़े वर्ग से वो आती है और देश के सबसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ पद पर, कि हम आखिर एकजुट हो तो कैसे। राष्ट्रपति जो 5 साल बाद होता है, यहाँ पर एक कैंडिडेट देना था वो भी नहीं दे पाए और उनके जो विधायक है उनके सांसद हैं वो भी क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। आप यहाँ तक देखिए कि संसद में जहाँ पर खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बड़े बड़े नेता रहते हैं, शरद पवार वहाँ पर हैं, मुलायम सिंह यादव आते हैं, इस तरह की पार्टी के नेता वहाँ पर बैठते हैं, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में, उनकी पार्टियों के भी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। ऐसे लगभग 1 दर्जन 8 से 10 वोट माने जा रहे हैं कि सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया है संसद में। विधायकों की बात ही तो छोड़ दीजिए, जहाँ पर चाहे जो ट्राइबल विधायक है किसी भी पार्टी का होगा वो द्रौपदी मुर्मू को वोट जरूर किया होगा, ऐसा बीजेपी का बड़े नेताओं का भी मानना है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस एकजुट कैसे हो या विपक्ष एकजुट कैसे हो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा ऑपोजिशन में। आज ही देखिए सोनिया गांधी का मसला था, ईडी का घेराव करना था, ईडी के पास सभी चले गए, लेकिन संसद में क्या हुआ, बाकी विपक्षी दल उनका साथ नहीं दिए, संसद में गतिविधियां चली, कार्रवाई हुई जो पिछले 3 दिन से नहीं हो रही थी, आज कुछ गतिविधियां हुई, कुछ कार्रवाई वहां पर हुई, कुछ एक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पूरी तरह से डिवाइड है। कांग्रेस सोचता है कि हम लीडरशिप करें और टीएमसी कहती है आप कैसे करोगे, हम आपको नेतृत्व क्यों स्वीकार करेंगे। आम आदमी पार्टी का वही हाल है। तो जाहिर सी बात है क्रॉस वोटिंग दिखा रहा है, जो 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं उसमें यह हाल है। तो आप समझिए कि रोज बर रोज जो सियासत होती है उसमें क्या होगा। तो लगातार देश भर से ये देखिए जरा जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बेहद खास ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की बधाई देने के लिए मुर्मू के आवास पर पहुंचे। ये लड्डू भी बांटा जा रहा है। तीन तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें पीएम मोदी जो है बधाई देने के लिए देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे, उन्हें बुके भेंट करके शुभकामनाएं दी। दूसरी तस्वीर जहां पर आदिवासी समुदाय में अपोजिशन के लिए, क्योंकि बातचीत किए पहले से, सीधे पहले फारूक अब्दुल्ला का नाम डिक्लेयर किया था, फिर शरद यादव की बात की जाती है और उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद तीसरी चॉइस कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा रहते हैं। हालांकि अगर आप यशवंत सिन्हा को देखें वो जान रहे थे कि वो चुनाव हार जाएंगे, सभी जान रहे थे कि एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन जो मार्जिन है वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी खास जिसको ऐसा लग रहा है अपोजिशन खेलने में ज़्यादा हुई है, ये किसी ने नहीं सोचा था। यशवंत सिन्हा ने जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसके एक दिन पहले एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जो भी वोट डालने जा रहे हैं क्योंकि एक गुप्त मतदान होता है वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, लेकिन यही अंतरात्मा की आवाज़ का जो उन्होंने आवाज़ दिया ये उनके लिए लगता है उल्टा पड़ गया, क्योंकि लगातार जो कई आदिवासी सांसद हैं या ऐसे एरिया से सांसद आते हैं उन्होंने शायद अंतरात्मा की आवाज़ ये सोचा होगा कि हमारे बीच की अगर कोई प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने जा रहा है तो हमें उसको वोट देना चाहिए। तो यही एक वजह है कि पूरी जो स्ट्रैटी थी वो फेल हो गई। हालांकि अगर आप देखें तो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के दौरान अपोजिशन ने इस कमी को दूर किया, मार्गरेट अलवा का नाम लेकर के आए और उसके बाद के एम्बेसमेंट को अपने आपको बचाने की कोशिश की। दूसरी बड़ी बात टीएमसी जो बहुत बड़ी एक तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर दाव खेला जा रहा था, कांग्रेस को
लग रहा था और कई अपोजिशन पार्टी को लग रहा था कि एटलीस्ट यशवंत सिन्हा के नाम पे टीएमसी भी साथ में आएगी, बाकी जो अपोजिशन है वो एक साथ होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ममता बनर्जी के लिए भी बड़ी एक विकट सिचुएशन थी, जैसा आपको मैंने पहले बताया कि वहाँ एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है। तो कहीं ना कहीं एक अगर आप बात करें 10-12 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जिसमें आदिवासी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी संख्या 10 करोड़ अगर हम पूरे देश भर में देखें। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने कैलकुलेशन किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जरूर सोचा होगा कि हर तबके को तो मौका मिला, लेकिन एक ऐसा तबका है जिसके अंदर कहीं ना कहीं बात होगी कि क्या वो राष्ट्रपति का ख्वाब, राष्ट्रपति बनने का सपना देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेटजी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वो। तो भारत में एक बार फिर से इतिहास रचा गया है। आपको बता दें कि जहां पर भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में एक बहुत सफल राष्ट्रपति के रूप में भी वो सफल होंगी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे में पूर्वी भारत के एक सुदूर हिस्से से आने वाली आदिवासी समुदाय की बेटी राष्ट्रपति बनी है और आदिवासी समुदाय में यहां पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बेहद खुशी की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। महिलाओं में यहां पर बेहद उत्साह है और काफी उम्मीदें यहां पर महिलाएं की बन जाती हैं, क्योंकि एक महिला होने के तौर पर उन्हें राष्ट्रपति मिली है, जो कि उसमें उम्मीदें ये बन जाती हैं कि एक महिला जो है वो एक महिला के रूप में कई ऐसे कदम उठाएंगे, कई ऐसे यहां पर स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई कदम ऐसे यहां पर उठाए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार यहां पर विजय की घोषणा के बाद से कई दिग्गज नेताओं के भी ट्वीट यहां पर आ रहे हैं सामने और लगातार उन्हें जीत के लिए बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है। तो जीत की तस्वीरें लगातार यहां आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।